सभी साथियों को नमस्कार। वडी खबर चौथी मंजिल से लोगों पर पत्थर बरसाए। जब इसकी शिकायत पुलिस को की तो पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को देख आरोपी पुलिस वालों पर भी पत्थर बरसाने लगता है जिससे भगदड़ मच जाती है। चलिए क्या है पूरा मामला, देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। दरअसल बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आ रही है। कानपुर में गौरव गुप्ता का 4 मंजिला मकान है, इसमें कुछ किराएदार रहते हैं। अचानक गौरव गुप्ता किराएदारों से मकान को खाली करने के लिए कहता है। इसको लेकर किराएदारों के साथ गौरव गुप्ता की बहस हो जाती है। फिर वो चौकी पुलिस अफसरों से इसकी शिकायत करता है, लेकिन जब उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है तो वो परेशान हो जाता है और सुबह शनिवार को इस घटना को अंजाम देता है। मकान मालिक गौरव गुप्ता अपने साथ गैस सिलेंडर और चाकू छुरी लेकर चौथे मंजिल पर चढ़ जाता है, अंदर से गेट बंद कर लेता है और फिर बाहर से लोगों को धमकी देता है। यदि किराएदारों ने मकान खाली नहीं किया तो वो गैस सिलेंडर से खुद को चला लेगा, चाकू से अपने आप को ख़त्म कर लेगा और इसके बाद आसपास के पड़ोसियों आने जानों पर पथराव शुरू कर देता है। घटना की सूचना मोहल्ले के लोग पुलिस को देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है। ग्वाल टोली थाने से पुलिस जब उस क्षेत्र में पहुंचती है तो वो पुलिस पर भी पथराव कर देता है। इसके बाद फायर ब्रिगेड को भी पुलिस बुलाती है। करीब 3 घंटे तक ये नाटक चलता है। आपको बताना चाहेंगे, DCP सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि ग्वाल टोली में रहने वाले गौरव गुप्ता का उसके किराएदार से कमरा खाली कराने को लेकर विवाद चल रहा था, इसी के चलते उसने ये बवाल खड़ा किया है। गौरव गुप्ता के द्वारा किए गए पथराव में 6 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी हैं। ग्वालटोली थाने में तैनात दरोगा गौरव सोनकर और कांस्टेबल नीलांशु घायल हो गए हैं और 4 अन्य लोग भी हैं। आपको बताना चाहेंगे, करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे, उसकी मानसिक स्थिति की जांच कराने के लिए मेडिकल भेज दिया गया है, क्योंकि जब पुलिस ने परिवार के लोगों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि मोहल्ले के लोगों का कहना है कि गौरव आए दिन लोगों से मारपीट करता है, उनके साथ गाली गलौज करता है, पड़ोसी भी गौरव गुप्ता से काफ़ी परेशान है। देखते रहिए ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ।